हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और रिवेंज लव स्टोरी लेकर। तो ये कहानी भी सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग पर बेस है। किस तरीके से एक छोटे से मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हमारा मेन लीड, हमारी फीमेल मेन लीड को इतना बुली करता है कि जब सच्चाई उसके सामने आती है तब वो खुद को बिल्कुल भी माफ नहीं कर पाता है। और करता भी कैसे, आखिरकार उसने हमारी फीमेल मेन लीड के साथ इतने जानवरों की तरह बिहेव जो किया था। कहते हैं ना कि रिश्ते बनने में सालों साल लग जाते हैं लेकिन टूटने में सिर्फ एक सेकंड, और कुछ इसी तरीके से हमारी इस लव स्टोरी में भी होता है। सो आई होप गाइस कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आप सभी का एक लाइक मुझे वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। चलिए दोस्तों, बिना टाइम को ज़्यादा बर्बाद करे हुए हम फटाफट से ड्रामे को स्टार्ट करते हैं। ड्रामे की शुरुआत होती है हमारी फीमेल मेन लीड से, जिसका नाम की सॉन्ग होता है, और वो काफी रात तक अपने हस्बैंड का वेट करती रहती है। तभी हमें सॉन्ग का हस्बैंड दिखाया जाता है, जो कि हमारे इस ड्रामे का मेन लीड भी है, और इसका नाम है लूचेन। लू घर में काफी नशे की हालत में एंटर होता है। सॉन्ग उसकी तरफ देखती है और भागकर उसके पास आती है। उसके बाद उससे कहने लग जाती है कि आ गए तुम घर, मैं फटाफट से तुम्हारे लिए डिनर रखती हूँ। लेकिन उसकी इतनी ही बात सुनकर लूचेन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके बाद उससे कहने लग जाता है कि हम जल्दी से डिवोर्स कर लेते हैं। सॉन्ग उससे बोलती है कि तुमने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया है, इसीलिए नशे की हालत में ही सारी बातें बोल रहे हो। तभी लूचेन उसे धक्का मारता है और उसके बाद उससे कहने लग जाता है कि मेरे सामने बहुत एक्टिंग करती हूँ ना वीक बनने की, लेकिन 3 साल पहले मेरी ग्रैंड मदर को अपने जाल में फंसाया और उसके बाद जबरदस्ती मुझसे शादी कर ली। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। मैं तुमसे लास्ट बार पूछ रहा हूँ, तुम मुझसे डिवोर्स करोगी या फिर नहीं करोगी, जल्दी से बताओ। सॉन्ग उससे बोलती है कि भले ही इन सालों में तुमने मुझे कभी भी वाइफ की तरह ट्रीट नहीं किया, लेकिन मैं तुम्हें हस्बैंड की तरह ट्रीट करती हूँ, इसलिए मैं तुमसे डिवोर्स नहीं करूंगी। उसकी बातों को सुनने के बाद लूचेन को इतना गुस्सा आता है कि वो जोर से उसका गला पकड़ लेता है और उसके बाद उससे कहने लग जाता है कि बहुत शौक है ना तुम्हें मेरी वाइफ बनने का, तो ठीक है फिर मैं तुम्हें डिवोर्स के लिए नहीं बनूंगा, लेकिन उसके बाद अब सारी चीजों की जिम्मेदार तुम होगी और अब एक वाइफ की ड्यूटी करने के लिए तैयार हो जाओ। इसी तरीके से वो उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। कल जो कुछ भी हुआ था उन सारी चीजों को भूलकर सॉन्ग एक नई शुरुआत करने के लिए अपने पति के लिए जूस बनाकर लेकर जाती है, लेकिन ये सारी चीजों को देखने के बाद लूचेन को उस पर इतना गुस्सा आता है कि वो उस गिलास को ही नीचे फेंक देता है और उसके बाद उससे कहने लग जाता है कि तुम्हारी कोई भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या। कल जो कुछ भी हुआ उन सारी चीजों को देखने के बाद भी आज तुम मेरे सामने इतनी चापलूसी कर रही हो। इसी तरीके से लूचेन सॉन्ग को दवा खाने के लिए बोलता है जिससे उसकी प्रेगनेंसी रुक सके। सॉन्ग मना करती है लेकिन लूचेन उसकी एक बात भी नहीं सुनता है, जिसकी वजह से उसे उस दवा को खाना पड़ता है। जैसे ही वो उस टैबलेट को अपने मुंह में डालती है तो लूचेन को ऐसा लगता है कि उसने वो टैबलेट खा ली है, तो उसके बाद वो वहाँ पर से चला जाता है। लेकिन उसके जाते ही वो उस टैबलेट को अपने मुंह से निकाल लेती है और यहीं पर ही हमें ये भी पता चलता है कि सॉन्ग अब प्रेग्नेंट हो चुकी थी, जहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि आज उसका पहला दिन था लूचेन के बेबी के साथ। थोड़ी ही देर बाद चेंज शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि लूचेन ऑफिस में होता है और यहीं पर ही हमें हमारे एक न्यू कैरेक्टर से भी इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जिसका नाम की टियान होता है। टियान लूचेन को थैंक यू बोल रही होती है क्योंकि उसने उसे अब असिस्टेंट बना दिया था, लेकिन इतने में ही वहाँ पर एंट्री होती है सॉन्ग की, और वहाँ पर आने के बाद वो लूचेन से कहने लग जाती है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे असिस्टेंट की पोस्ट से नहीं हटाओगे, तो ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी लूचेन उसके पास आता है और उसके बाद उसे धक्का देकर उससे कहने लग जाता है क्योंकि तुम ये पोस्ट डिजर्व नहीं करती हो। टियान अच्छा बनने का नाटक करती है और उसके पास जाकर उससे कहने लग जाती है कि करवाली विजय थी। उसकी बात सुनने के बाद सॉन्ग को गुस्सा आता है, वो उसे धक्का मार देती है। इस सब को देखने के बाद लूचेन उससे कहने लग जाता है कि कितनी बेकार लड़की हो तुम, एक तो ये तुम्हारी हेल्प करना चाहती है, ऊपर से तुम इसके साथ इस तरीके से बदतमीजी से बिहेव करती हो। ये सब कुछ देखकर टियान उससे बोलती है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन कोई बात नहीं, एक दिन मैं अपने आप को साबित कर दूंगी। बाय द वे, आज मुझे लूचेन ने नेकलेस गिफ्ट किया क्योंकि मैं उसकी असिस्टेंट बन गई हूँ ना, लेकिन तुम भी उसके असिस्टेंट हो, इसलिए हम दोनों इस नेकलेस को शेयर करेंगे और हम दोनों के दोनों मिलकर लूचेन का ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से वो जैसे ही उसे नेकलेस देती है ना, तो वो जानबूझ के अपने हाथ पे निशान लगा लेती है ताकि लूचेन को ऐसा लगे कि सॉन्ग ने उसके साथ ऐसा किया, और होता भी सेम ऐसा ही है। इन सारी चीजों को देखने के बाद लूचेन उसे एक थप्पड़ मार देता है और उसके बाद उससे कहने लग जाता है कि तुम जैसी गरीब लड़की इतना महंगा नेकलेस डिजर्व भी नहीं करती हो, मैं तुम्हें धक्के मार कर इस असिस्टेंट की पोस्ट से बाहर निकाल रहा हूँ। जब वो ये सब बोलता है ना, तभी वहाँ पर लूचेन की ग्रैंड मदर आ जाती है और वहाँ पर आकर सॉन्ग का हाथ पकड़ कर उससे कहने लग जाती है कि बहुत बकवास कर रहे हो, तो मैं भी देखती हूँ कि कौन तुम्हें असिस्टेंट की पोस्ट से निकालता है, निकालना
जाना ही है तो दूसरी लड़की को निकालो, क्योंकि इस पर तुम्हारा बिल्कुल भी बस नहीं है। इन सब चीजों को देखकर लुचन उसे कहने लग जाता है कि बड़ी ही चालाक हो तुम, यहाँ पर बुला दिया ना तुमने मेरी ग्रैंड मदर को ताकि तुम उनके सामने मुझे नीचे गिरा सको। तभी उसकी ग्रैंड मा उससे बोलती है कि इसने मुझे यहाँ पर नहीं बुलाया है, इसलिए तुम फालतू में इसे ब्लेम करना बंद करो। तुम इतने बड़े हो गए हो लेकिन फिर भी अब तक तुम्हें एक अच्छी लड़की और बुरी लड़की में अंतर नहीं पता चला, इसीलिए तो तुम बेचारी ये सॉन्ग को अब तक बुली करते आ रहे हो। उनकी बातों को सुनने के बाद लुचन उनसे बोलता है कि ग्रैंडमा आपकी वजह से मैंने जबरदस्ती से शादी की, आपने मुझे जबरदस्ती से चिपका तो दिया लेकिन अब आप ये भी चाहती हैं कि मैं इसके साथ अपनी बची हुई जिंदगी निभाऊं। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूं। अगर आपने मुझे इसके साथ शादी करने के लिए नहीं बोला होता ना तो आज टियान से शादी कर लेता। ऐसा ही कहने के बाद वो वहां पर से भागकर चला जाता है और उसके पीछे पीछे टियान भी चली जाती है। अभी तक तो वो उन दोनों के सामने इतना भोला बनने का बिहेव कर रही थी लेकिन उसके वहां पर से जाते ही वो उन दोनों को एकदम मीविल स्माइल देती है। ग्रैंड मा सॉन्ग से बोलती है कि मुझे पता है कि लुचन तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान करता है। तुम उससे परेशान तो नहीं होती हो? सॉन्ग उनसे बोलती है कि माँ को टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं उससे बिल्कुल भी परेशान नहीं होती हूँ। बट भले ही हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं लेकिन आज तक उसने मुझे कभी भी एक वाइफ का दर्जा नहीं दिया। थोड़ी ही देर बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि टियान अपनी चेयर पर बैठी हुई होती है और खाली फाइल देख कर उसके दिमाग में एक मस्त आइडिया आता है। वो जाती है सॉन्ग के पास और उसके बाद उसे कहने लग जाती है कि तुम्हें कल इस फाइल को होटल में जाकर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन को देना है। सॉन्ग उससे बोलती है कि ये जो फाइल देने वगैरह का काम है ये मेरा नहीं है, जिसकी ये फाइल है तुम उसे जाकर देने के लिए बोलो। उसकी बातों को सुनकर टियान उससे कहती है कि ये काम तो तुम्हारा ही है और तुम्हें करना पड़ेगा, और अगर तुम इसे नहीं करोगी ना तो मैं सीधे जाकर लुचन से बोल दूंगी, उसके बाद तो तुम्हें पता है कि वो तुम्हारे साथ क्या करेगा। इसलिए एकदम अट्रैक्टिव से ड्रेस पहनकर होटल में चली जाना। ऐसे ही कहने के बाद वो वहां पर से चली जाती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट फाइल लेकर सॉन्ग लुचन के पास चली जाती है। जैसे ही लुचन उस फाइल को देखता है तो वो फाइल पूरी खाली होती है। इस सब को देखकर लुचन को गुस्सा आता है, वो फाइल उस पर फेंकता है और उसके बाद उसे कहने लग जाता है कि ये क्या है, तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी समझते भी हो? उसकी बातों को सुनने के बाद सॉन्ग उससे बोलती है कि अरे ये फाइल मैं थोड़ी ना लेके आई थी, ये सब तो मुझे इस टियान ने देने के लिए बोला था। फिर क्या, टियान ये सारी चीजों को देखने के बाद बड़े ही भोली बनती है और कहने लग जाती है लुचन से कि ये फाइल मैंने कब दी तुम्हें, तुम मुझसे कितनी ज्यादा नफरत करती हो। देखो नफरत रही साइड में लेकिन तुम जानती हो कि ये प्रोजेक्ट हमारे लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सॉन्ग लुचन की तरफ देखकर बोलने लग जाती है कि झूठ बोल रही है, लेकिन लुचन उसकी एक बात भी नहीं सुनता है और उसे जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पे मार देता है और उसके बाद उससे कहने लग जाता है कि झूठ बोलने की भी हद होती है। और क्या तुम किसी डिस्को या बार में आई हो, ऐसे कपड़े पहनकर क्यों आ रखी हो तुम? उसकी बातों को सुनने के बाद सॉन्ग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो उससे कहने लग जाती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुमको मुझ पर ट्रस्ट करना चाहिए लेकिन तुम तो मुझे कभी ट्रस्ट ही नहीं करते हो। तभी दोबारा से लुचन उसकी गर्दन पकड़ लेता है। इतने में ही टियान से बोलती है कि गुस्सा करने का टाइम नहीं है, हमें जल्दी से इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालना पड़ेगा। मैंने सुना है कि जिससे हमारी डील होने वाली है वो लड़कियों का बहुत शौकीन है, तो मैं उससे बात करने के लिए चली जाऊंगी। लुचन उसे बोलता है कि तुम क्यों जाओगी, तुम्हारी लाइफ को मैं रिस्क में थोड़ी ना डालूंगा। ये है ना, तो उसकी बातों को सुनने के बाद सॉन्ग उससे बोलती है कि तुम सच में मुझे उसके पास भेज कर आओगे, ये जानने के बाद भी कि वो कितना घटिया इंसान है। लेकिन लुचन उसकी एक बात भी नहीं सुनता है और उसका हाथ खींच कर उसे रूम में लेकर चला जाता है जहाँ पर वो बिजनेसमैन होता है। तो दूसरी तरफ टियान लुचन के साथ खुशी खुशी वहाँ पर से जा रही होती है, लेकिन तभी लुचन को सॉन्ग की फिक्र होती है और वो टियान से बोलता है कि तुम जाओ मैं अभी आता हूँ। इधर ही हम देखते हैं कि वो बिजनेसमैन जैसे ही सॉन्ग को देखता है तो वो उसके पास आने लग जाता है और उसके बाद उससे कहने लग जाता है कि तुम तो बहुत सुंदर हो। जैसे ही वो सॉन्ग के क्लोज आता है तो सॉन्ग उसे एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है जिसे देखकर वो भी उसे मारता है और उसके बाद जबरदस्ती करने लग जाता है उसके साथ। सॉन्ग चिल्ला चिल्ला कर सभी को बुला रही होती है लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं आता है। तभी वहाँ पर एंट्री होती है लुचन की और लुचन को जैसे ही सॉन्ग देखती है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, वो भाग कर उसके पीछे जाकर छुप जाती है। तो उधर ही लुचन सॉन्ग का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर वहाँ पर चला जाता है और उसके बाद उससे कहने लग जाता है कि तुम कितनी बेकार लड़की हो, इतनी क्या लत है तुम्हें लड़कों की जो तुम उस बुड्ढे के साथ भी टाइम स्पेंड कर रही थी। तो तभी सॉन्ग से बोलती है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। लुचन उससे बोलता है कि अच्छा ऐसे कपड़े पहनकर आने के बाद भी तुम मुझे एक्सप्लेनेशन दे रही हो, तुम्हारे बारे में अच्छे से जानता हूँ मैं और मैं तुम्हें यहाँ पर अपने साथ इसलिए लेकर आया ताकि मैं तुम्हारी वजह से ना फंस जाऊँ। उसकी बातों को सुनकर सॉन्ग उससे बोलती है कि क्या सच में तुम सिर्फ मुझे इसलिए वहाँ पे से लेकर आए, इतनी नफरत करते हो तुम मुझसे? लुचन उससे बोलता है कि हाँ। ऐसा ही कहने के बाद
बाद वो बड़े ही गुस्से में वहाँ पीछे चला जाता है। तो दूसरी तरफ बेचारी सॉन्ग को इतना बुरा लगता है कि वो वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। लूटन पीछे मुड़कर जैसे ही सॉन्ग की तरफ देखता है तो वो देखता है कि वो वहाँ पर बेहोश हो रखी है। वो थोड़ी ही देर में उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर उसको ये बताने वाले होते हैं कि सॉन्ग प्रेग्नेंट है, लेकिन तभी लूटन को कॉल आ जाता है जिसे अटेंड करने के लिए वो वहाँ पर से बाहर चला जाता है। डॉक्टर उसके पास आते हैं और उसके बाद उससे कहने लग जाते हैं कि तुम प्रेग्नेंट हो, भले ही तुम्हारे पति के साथ तुम्हारा झगड़ा है लेकिन अपना और अपने बच्चे का ध्यान रखो। अगर दोबारा तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा ना तो हमें तुम्हारे बच्चे को अबॉर्ट करना पड़ेगा, वरना इससे तुम्हारी जान को खतरा है। जब डॉक्टर उससे ये सारी बातें बोल रहे होते हैं तो बाहर से ये सारी बातें टियान सुन लेती है और अंदर आने के बाद जोरदार थप्पड़ सॉन्ग के मुंह पर मारकर उससे कहने लग जाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लूटन के बच्चे की माँ बनने की। तुम जानती हो कि वो तुम्हें पसंद नहीं करता है, फिर भी तुम्हें ये मेलोड्रामा करना है। तुम्हारे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है, तुम्हें इस बच्चे को अबॉर्ट ही करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि लूटन को तुमसे कोई भी बेबी चाहिए, और वैसे भी अगर तुम ये नहीं करोगी ना तो लूटन ये शुभ काम खुद ही कर देगा। अगर तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो खुद ही लूटन से जाकर पूछ लो। उसकी बातों को सुनने के बाद नेक्स्ट डे सॉन्ग बिल्कुल ऐसा ही करती है। एक प्यारी सी ड्रेस पहनकर अपने हाथों में अल्कोहल लेकर वो लूटन के पास जाती है और उसके बाद लूटन से कहने लग जाती है कि तुम्हें बच्चे पसंद है तो क्यों ना हम एक बच्चे की प्लानिंग करें। उसकी बातों को सुनने के बाद लूटन को इतना गुस्सा आता वो उससे कहने लग जाता है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जैसी बेवकूफ औरत के साथ मैं कभी ये सारी प्लानिंग करूंगा, तुम्हें अपने सपने में भी नहीं देखना चाहता। उसकी बातों को सुनने के बाद सॉन्ग बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उसके बाद उससे कहने लग जाती है कि हमारी शादी को हुए 3 साल हो गए पर तुमने मुझे कभी भी एक वाइफ का दर्जा नहीं दिया है। लूटन उसकी बातों को सुनकर उसका गला पकड़ता है और उसके बाद उससे कहने लग जाता है क्योंकि तुम ये सब चीजें डिजर्व नहीं करती हो। शादी करते टाइम भी मैंने तुम्हें कह दिया था कि मैं तुमसे शादी सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए कर रहा हूँ, लेकिन तुम मेरी वाइफ कभी भी नहीं बनोगी। सॉन्ग रोते हुए उससे कहती है कि अगर मैं सच में प्रेग्नेंट हुई तो। लूटन उससे बोलता है कि तो क्या, तुम्हें उस बच्चे को मारना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे जैसे बेवकूफ लड़की मेरे बच्चों की माँ कभी भी नहीं बन सकती है। लूटन उससे बोलता है कहीं तुम सच में तो प्रेग्नेंट नहीं हो। सॉन्ग उससे बात छुपाती है और उसके बाद उससे कहने लग जाती है कि नहीं, तुम रोज मुझे वो टैबलेट खिलाते हो तो मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ। थोड़ी देर बाद वो जमीन पे गिरा हुआ कांच उठाने लग जाती है और अपने ही दिल में सोचने लग जाती है कि मैं तो सोचती थी कि तुम कभी मेरा हस्बैंड नहीं बनना चाहते हो, लेकिन तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो मैंने कभी भी नहीं सोचा था। मैं तुम्हारे जैसे इंसान से अपनी लाइफ में कभी भी प्यार नहीं करना चाहती हूँ। तो दूसरी तरफ लूटन उससे बोलता है कि कल मेरी ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी है, वहाँ आ जाना, और अगर नहीं आए ना तो सजा के लिए तैयार रहना। ऐसा ही कहने के बाद लूटन वहाँ पर से चला जाता है। सॉन्ग अपने दिल में ही सोचने लग जाती है कि नफरत है मुझे तुम्हारे जैसे इंसान से जिसके लिए मैं सिर्फ एक ऑब्जेक्ट हूँ, इंसान नहीं। सीन शिफ्ट होता है और हमें बर्थडे पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूटन और टियान साथ में आ रहे होते हैं। तो उधर ही सॉन्ग उससे बोलती है कि यहाँ पर हमारे सारे रिलेटिव्स वगैरह आए होंगे, तुम्हें इसे लेकर आने की क्या जरूरत थी। टियान उससे बोलती है कि अरे तुम गुस्सा मत हो, मैं तो यहाँ पर सिर्फ इसलिए आई हूँ क्योंकि बॉस मुझे बोलते हैं कि मैं बहुत काम करती हूँ, तो यहाँ पर आकर मैं थोड़ा रिलैक्स हो लूं। लूटन उससे बोलता है कि इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, इसलिए तुम्हें इसे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पर एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है जो सॉन्ग को अपने कोट से ढक लेता है और इसका नाम जाओ है। और जाओ वहाँ पर आकर लूटन से कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम अपने आप को समझते क्या हो, अपनी वाइफ को इस तरीके से टॉर्चर करते हुए बहुत मजा आता है तुम्हें। लूटन उससे बोलता है कि फालतू में इस बेवकूफ लड़की का साइड मत दो। उसकी बातों को सुनने के बाद सॉन्ग उससे बोलती है कि लूटन तुम मेरे सामने मेरी बेइज्जती करते हो, यहाँ तक तो ठीक है लेकिन बाहर वालों के साथ तो ठीक से मेरे साथ बिहेव करो, आखिरकार तुम्हारी वाइफ हूँ मैं। लूटन कहता है कि तुम रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करती हो। उसकी बातों को सुनने के बाद सॉन्ग को गुस्सा आता है, वो गुस्से में वहाँ पर चली जाती है। लूटन भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि टियान और सॉन्ग आमने सामने होते हैं और सॉन्ग टियान से कहने लग जाती है कि क्या बकवास करने के लिए तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया है। टियान उसे बोलती है कि तुम तो जानती हो कि लूटन मुझसे इतना प्यार करता है। सॉन्ग उसकी बातों को सुनने के बाद हल्की से उसे स्माइल देती है और उसके बाद उसे कहने लग जाती है कि सही कहा तुमने, कितना प्यार करता है जो अब तक उसने तुमसे शादी तक नहीं की, तुम उसकी लाइफ में सिर्फ एक साइड रोल हो जिसे वो यूज कर रहा है मुझे जेलसी फील करवाने के लिए। उसकी बातों को सुनने के बाद टियान उससे बोलती है कि अच्छा बहुत बन रही हो तुम। इतने में ही उसकी नजर लूटन पर पड़ती है और लूटन को देखने के बाद वो सॉन्ग से कहने लग जाती है कि क्या होगा अगर मैं इस तालाब में गिर जाऊं और ब्लेम तुम पर डालूं। सॉन्ग उससे बोलती है कि ये क्या बकवास कर रही हो तुम। इतने में ही वो सच में ही वहां पर कूद जाती है और तभी वहां पर लूटन आता है। वो सॉन्ग का बाल पकड़ता है और उसके बाद उससे कहने लग जाता है कि बेवकूफ लड़की ये क्या किया तुमने। इतने में ही वो उसे बचाने के लिए तालाब में कूद जाता है। थोड़ी ही देर बाद वो उसे अपने कोट से कवर करता है और उसके बाद बाहर आने के बाद वो उसकी गर्दन पकड़कर उससे कहने लग जाता है कि सॉन्ग आखिरकार तुम अपने आप को समझती क्या हो, इतनी क्या जलसी करती हो।
तुम इसे। तभी वहाँ पर ग्रैंडमा भी आ जाती है और उसके बाद उससे कहने लग जाती है कि जल्दी से इसे छोड़ो। लूचन उनसे कहता है कि ग्रैंडमा आप इसे जानती भी है कि ये कितनी घटिया लड़की है, अगर मैं आपको इसकी सच्चाई बताने लग जाऊंगा ना तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। ग्रैंडमा उसे बोलती है कि तुम कुछ ना ही बताओ ना तो ही सही है, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा है, मैं सारी फुटेज निकलवा दूंगी, उसके बाद सच्चाई सभी के सामने आ जाएगी। थोड़ी ही देर बाद लूचन सॉन्ग का हाथ खींच कर उसे अपने साथ लेकर आता है, जहाँ पर वो उसे कहने लग जाता है कि मेरी ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी डिस्ट्रॉय करने के बाद तुम्हें बहुत ही मजा आ रहा होगा ना, जो तुम करना चाहती थी वो हो गया, अब कैसा लग रहा है तुम्हें। उसकी बातों को सुनने के बाद सॉन्ग उससे बोलती है कि वैसे एक बात बताऊं, तुम्हारे दिल में मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत भरी हुई है, अगर मैं खुद की सफाई भी दूंगी ना तो तुम कभी भी नहीं समझोगे, इसीलिए तुम्हारे सामने सफाई देने का तो कोई भी फायदा नहीं है। आज तक मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में सिर्फ इसलिए थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि किसी दिन तुम मेरे प्यार को समझोगे और चेंज होगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम कभी चेंज नहीं हो सकते हो, इसीलिए मैं तुमसे डिवोर्स चाहती हूँ, और मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते थे, इसीलिए तुम्हें डिवोर्स से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लूचन उसे बोलता है कि ये क्या बकवास कर रहे तुम, अपनी बातों से पलट मत जाना। सॉन्ग उससे बोलती है कि नहीं, मैं अपनी बातों से बिल्कुल भी नहीं पलटूंगी, मुझे सच में तुमसे डिवोर्स चाहिए। नेक्स्ट डे जब सॉन्ग अपने घर पर बैठी हुई होती है तभी वहाँ पर लूचन आता है, वो उससे कहने लग जाती है कि मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी, तुम तब से क्यों नहीं आए, मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहती हूँ और तुम देना भी चाहते थे तो अब क्या हुआ। लूचन उसके पास आता है और उसके बाद उससे कहने लग जाता है कि अब कौन सी चाल चलने वाली हो तुम, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी डिवोर्स की बातों को सुनने के बाद मैं एकदम उदास हो जाऊंगा और इमोशनल होकर तुम्हें अपनी वाइफ का दर्जा देने लग जाऊंगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इसलिए अपना नाटक बंद करो। सॉन्ग उससे बोलती है कि तुम तो हमेशा से यही चाहते थे ना, अब मैं तुम्हें खुद बोल रही हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में कभी भी परेशान नहीं करूंगी और तुम अपने प्यार टियान के साथ हमेशा रह सकते हो, कल टाइम पर मुझे डिवोर्स देने के लिए आ जाना। नेक्स्ट डे इसी तरीके से वो लूचन का वेट करने लग जाती है और वहाँ पर लूचन आ भी जाता है, सोचने लग जाता है कि ये काफी देर से मेरा इंतजार कर रही थी, इसका मतलब कि ये सच में मुझे डिवोर्स देना चाहती है। वो ये सारी बातें सोच भी रहा होता है लेकिन उसकी खुद हिम्मत नहीं होती है कि वो इस बारे में सॉन्ग से कुछ भी बात करे। थोड़ी देर बाद वो दोनों ही वहाँ पर बैठ जाते हैं और उसके बाद सॉन्ग सोचने लग जाती है कि तुम्हारे साथ शादी कर तो मैं कभी भी खुश नहीं हुई, शायद तुमसे अलग होकर खुश हो जाऊं, तुमसे शादी करने के बाद हर एक छोटी खुशी के लिए मैं तरसी हूं, आई होप कि अब सब कुछ ठीक हो जाए, बहुत चांसेस दिए मैंने तुम्हें लेकिन कभी भी तुमने ना तो मेरी इज्जत की और ना ही उन चांसेस की, और अब तो मुझे सच में लगता है कि तुम कभी मुझसे प्यार कर ही नहीं सकते हो, हम दोनों के बीच में कुछ पॉसिबल है ही नहीं तो बेफालतू में इस रिश्ते को इतना लंबा खींचने का फायदा क्या। थोड़ी देर में वहाँ पर जो लड़की बैठी हुई होती है उनसे पूछने लग जाती है कि क्या तुम डिवोर्स चाहते हो, सॉन्ग तो हाँ बोल देती है लेकिन लूचन का ध्यान बस सॉन्ग पर होता है। तभी वहाँ पर ग्रैंडमा की एंट्री होती है और वो उन डिवोर्स पेपर को अपने हाथों में पकड़कर उन दोनों से कहने लग जाती है कि आखिरकार कैसे तुम एक दूसरे को डिवोर्स दे सकते हो, लूचन से तो मुझे कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन सॉन्ग तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मुझे पता है कि लूचन तुमने ही इसे फोर्स किया होगा। लूचन उनसे बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है ग्रैंडमा, यही मेरे पास आई थी। तभी ग्रैंडमा उनसे बोलती है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए तुम दोनों का डिवोर्स एक दूसरे से नहीं हो सकता है, और आज के बाद लूचन तुमने कभी भी इसे परेशान करने की कोशिश की तो सच में मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, और ये क्या है। इसी तरीके से वो लूचन को उसकी और टियान की कुछ फोटोज दिखाता है, लूचन को ऐसा लगता है कि ये सारी फोटोज सॉन्ग ने ग्रैंडमा को दी है ताकि वो उस पर गुस्सा कर सके, इसलिए वो सॉन्ग को बहुत सुनाता है, लेकिन असल में तो सॉन्ग ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। थोड़ी देर बाद वो वहाँ पर से चला जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सॉन्ग जब रास्ते से जा रही होती है तभी उसके सामने से जाओ आ जाता है और उसके बाद उसके पास आकर उससे कहने लग जाता है कि आखिरकार लूचन तुम्हें कितना ज्यादा टॉर्चर करता है फिर भी तुम उसके साथ रिलेशनशिप में क्यों हो। उसकी बातों को सुनने के बाद सॉन्ग उससे बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम लूचन से कितनी ज्यादा नफरत करते हो, अगर तुम्हें उसे जेलस फील करवाना है तो मेरे क्लोज आने की कोशिश नहीं बल्कि मैं टियान के क्लोज आने की कोशिश करूँ क्योंकि वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। तो जाओ उससे बोलता है कि ये बात मैं जानता हूँ लेकिन तुम्हारे पेट में जो बच्चा है अगर इसके बारे में लूचन को पता चला ना तो बिलीव मी वो तुम्हें भी और तुम्हारे बच्चे को दोनों को मार देखा क्योंकि मैं उसे अच्छे तरीके से जानता हूँ, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट बन जाओ। तो दूसरी तरफ जब वो दोनों इसी तरीके से बात कर रहे होते हैं तभी उन दोनों को टियान देख लेती है और मौके का फायदा उठाते हुए उन दोनों की फोटो खींचकर सीधे उन फोटो को दिखाती है लूचन को, एंड लूचन को उन फोटोज को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसके बाद फटाफट से वो जाओ को अपने सामने बुलाता है। जैसे ही जाओ वहाँ पर आता है तो उसके बाद उससे कहने लग जाता है कि आखिरकार तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। लूचन उसे वो फोटो दिखाता है और उसके बाद उससे कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम इसके साथ क्या कर रहे हो।
जाओ से बोलता है कि तुम्हारी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड, सॉरी तुम तो उसे वाइफ बोलते भी नहीं हो ना। खैर तुम अगर उसे वाइफ का दर्जा नहीं देते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसे वाइफ का दर्जा नहीं दूंगा। वो बहुत ज्यादा सुंदर है और मैं उससे शादी करने के लिए भी तैयार हूँ। अगर वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गई तो। लुजन उससे बोलता है कि इतना बड़ा बिजनेसमैन होने के बाद भी एक डिवोर्स की हुई लड़की से शादी करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आएगी। जाओ से बोलता है कि नहीं, इससे मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारी शक्ल देखकर ये लग रहा है कि तुम्हें इससे बहुत दिक्कत है। सही कहकर जब वो वहाँ पर से जा रहा होता है तभी वहाँ पर सॉन्ग आ जाती है और उसके बाद लुजन के पास एक पेपर पकड़ाती है जिसमें कि उसने लिखा हुआ था कि वो बहुत ही जल्द जाओ की पर्सनल असिस्टेंट बनने वाली है। इन सारी चीजों को देखने के बाद लुजन को गुस्सा आता है। वो उसके बाद उससे बोली ना जाता है कि अच्छा अब मुझे समझ में आया कि आखिरकार तुम मुझसे डिवोर्स क्यों लेना चाहती थी। इसलिए ना ताकि तुम जाओ के साथ शादी कर सको, तुम्हें मैं अच्छे तरीके से जान गया हूँ। तुम सच में एक बहुत ही शेमलेस औरत हो और ये फोटोज देखकर तो सब चीजें क्लियर हो जाती है। इन सारी चीजों को देखने के बाद भी तुम मुझे कोई सफाई देना चाहोगी, ऐसा ही कहने के बाद वो उसका गला पकड़ देता है और उसके बाद उसे कहने लग जाता है कि इसलिए मैंने तुम्हें आज तक अपनी वाइफ के तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया तुम्हारी इन चीप हरकतों की वजह से। उसकी बातों को सुनने के बाद सॉन्ग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उससे कहने लग जाती है कि हाँ मैं जाओ को पसंद करती हूँ और बहुत ही जल्द मैं उससे शादी कर भी लूंगी और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे क्योंकि मैं एक ऐसे इंसान से शादी करना प्रीफर करूंगी जो लड़कियों की इज्जत करता है, ना कि तुम्हारी तरह जो सिर्फ उन्हें पहले यूज करता है और उसके बाद यूज कर छोड़ देता है। लुजन उससे बोलता है तो कब से तुम मेरे पीठ पीछे इस तरीके से जाओ के साथ सेटल होने की प्लानिंग कर रही हो, क्या ये बारे में तुम मुझे भी बताओगी। सॉन्ग उससे बोलती है वैसे मैं जो कुछ भी बोलूं उस बातों पे तुम्हें भरोसा तो होगा नहीं, इसलिए तुम्हें बताने का कोई भी फायदा नहीं है। बट हाँ उस दिन तो ग्रैंडमदर की वजह से हम दोनों के दोनों एक दूसरे को डिवोर्स नहीं दे पाए थे, लेकिन कल हम दोनों एक दूसरे को डिवोर्स दे देंगे। उसके बाद तुम मुझसे और मैं तुमसे एक दूसरे से आजाद हो जाएंगे। उसकी बातों को सुनने के बाद लुजन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसके बाद वो उससे कहने लग जाता है कि कल की कल देखी जाएगी, लेकिन तुम इस बात को बिल्कुल भी मत भूलो कि इस टाइम पर तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। सॉन्ग उसे बोलती है कि मैं तुम्हारी वाइफ कैसे बन गई, आज तक तो तुमने कभी मुझे एक्सेप्ट नहीं किया और शायद पहली बार तुमने अपनी लाइफ में मुझे वाइफ बोला है जिसका कोई मतलब नहीं बनता है। लुजन उससे बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे अकॉर्डिंग चलूंगा। इसी तरीके से वो उसकी गर्दन पकड़ता है और उसके बाद उससे कहने लग जाता है कि अभी भी तुम मेरी वाइफ हो और मेरे अलावा किसी की नहीं हो सकती हो। जब वो ऐसे ही कर रहा होता है तो अपने आप को बचाने के लिए सॉन्ग उसके मुंह पे एक थप्पड़ मार देती है। तभी वहां पर चियान की भी एंट्री हो जाती है और जैसे ही वो उन दोनों को देखती है तो उसके बाद वो लुजन से कहने लग जाती है कि आखिरकार ये तुम क्या कर रहे हो। टियान को देखकर लुजन फटाफट से खड़ा होता है और उसके बाद उससे कहने लग जाता है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। तभी सॉन्ग उससे बोलती है कि देखो जल्दी से मुझसे डिवोर्स ले लो नहीं तो तुम्हारी प्यारी डार्लिंग तुमसे गुस्सा हो जाएगी। उसकी बातों को सुनने के बाद टियान लुजन के पास आती है और उसके बाद उससे कहने लग जाती है कि इस दिन का तो हम 3 साल से वेट कर रहे थे तो फाइनली तुम इससे डिवोर्स क्यों नहीं ले रहे हो। लुजन उससे बोलता है कि मैं इससे जल्द ही डिवोर्स ले लूंगा लेकिन ये राइट टाइम नहीं है इससे डिवोर्स लेने। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, मैं कुछ टाइम तक थोड़ा सोचना चाहता हूं उसके बाद मैं इसे डिवोर्स ले लूंगा। तभी वहां पर जाओ भी आ जाता है और उसके बाद सॉन्ग से कहने लग जाता है कि मैं अपनी पर्सनल असिस्टेंट को यहां पे से ले जाने के लिए आया हूं। उसकी बातों को सुनने के बाद लुजन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसके बाद उससे कहने लग जाता है कि ये कहीं पर भी नहीं जाएगी बल्कि मैं यहीं पर ही रहेगी। तभी जाओ से कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम कौन होते हो जो मुझे बताओगे ये सारी बातें, तो मैं डायरेक्ट सॉन्ग से ही पूछूंगा। इससे पहले कि सॉन्ग कुछ भी बोलती टियान अपना मेलोड्रामा शुरू कर देती है और उसके बाद उससे कहने लग जाती है कि आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, लुयांग को छोड़कर अब तुम जाओ की असिस्टेंट बन गई। तो उसकी बातों को सुनने के बाद सॉन्ग उससे बोलती है कि जो मुझे डिजर्विंग लगेगा मैं उसी की असिस्टेंट बनूंगी और मुझे ऐसा लगता है कि लुजन से ज्यादा अच्छा इंसान जो है वो जाओ है, इसीलिए मैं उसी की असिस्टेंट बनना चाहती हूँ। उसकी बातों को सुनने के बाद लुजन उससे बोलता है कि क्या बोला तुमने, जरा दोबारा से बोलना। जब दोबारा से सॉन्ग ये सारी बातें बोलने वाली होती है तो लुजन उस पर हाथ उठाने वाला होता है। उसकी बातों को सुनने के बाद सॉन्ग को इतना गुस्सा आता है कि वो उससे बोलने लग जाती है कि मारो मारो मुझे, इतने 3 सालों में मैं तुम्हारे साथ मार ही तो खा रही हूँ,
अब तो मुझे तुम्हारी मार से बिल्कुल डर भी नहीं लगता है, क्योंकि इनका असर तो मुझ पर अब कुछ होता ही नहीं है। इन सारी बातों को देखने के बाद जाओ से कहना चाहता है कि देखिए तुमने अपनी सच्चाई, लुजन को गुस्सा आता है और वो उसके साथ लड़ाई करने वाला होता है, तो जैसे तैसे करके उन दोनों को एक दूसरे से छुड़वाती है। और उसके बाद थोड़ी देर में उससे कहने लग जाती है कि मुझे अब अपने काम पर जाना है, इसलिए इस तरीके से परेशान मत करो। और बहुत ही जल्द हम दोनों एक दूसरे से डिवोर्स लेने वाले हैं, इसलिए इस तरीके से मेरे पति बनने का नाटक बंद करो। ऐसा ही कहने के बाद जब सॉन्ग वहाँ पर से जा रही होती है, तभी जाओ उसके पीछे से आ जाता है और उसके बाद उसका हाथ पकड़कर उसे कहने लग जाता है कि तुमने आज लुचैन की बेइज्जती बिल्कुल सही कही। उसकी बातों को सुनने के बाद सॉन्ग उससे बोलने लग जाती है कि भाई होने के बावजूद भी तुम उससे कितनी ज्यादा नफरत करते हो ना, बाय द वे तुम दोनों की लड़ाई के बीच में मैं नहीं आना चाहती हूँ, इसलिए तुम मुझे इन्वॉल्व मत करो। तुम तो यही चाहते हो कि तुम लुचैन को उसकी पोजीशन से हटा दो ताकि तुम उस पोजीशन पे जा सको, क्यों सही कह रही हूँ मैं? तो उसकी बातों को सुनने के बाद पहले तो जाओ इन सारी चीज़ों से मना करता है, लेकिन जब सॉन्ग्स की सारी प्लानिंग जान जाती है तो जाओ उससे बोलता है कि बहुत ही समझदार हो तुम, मुझे तो लगा था कि बहुत भोली होगी। तब तक वहाँ पर टियान आ जाती है और उन दोनों की बातें सुन लेती है। जब वो दोनों को बातें करते हुए देखती है तो उन दोनों की फोटो खींच लेती है, और इतने में ही जाओ की नज़र टियान पर पड़ जाती है। और जब वो फोटो खींच रही होती है तो वो जानबूझ के सॉन्ग के क्लोज आने लग जाता है और उसका हाथ पकड़कर उससे कहने लग जाता है कि तुम तो सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। तभी सॉन्ग उससे अपना हाथ छुड़वाती है और उसके बाद उससे कहने लग जाती है कि मुझसे दूर रहो, मुझे तुम पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो दूसरी तरफ टियान उन फोटोज को दिखाने के लिए सीधे लुचैन के पास चली जाती है। सॉन्ग उससे बोलती है कि अरे ये फालतू की ओवर एक्टिंग मेरे सामने करने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता है लुचैन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता, और अगर वो तुम्हें मेरे साथ फ्लर्टिंग करते हुए देख भी लेगा ना तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि लुचैन अपने लैपटॉप पर बैठ कर अपना काम कर रहा होता है। तभी वहाँ पर टियान आती है और उसके बाद उससे कहने लग जाती है कि लुचैन मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, तुम्हें कुछ ज़रूरी इंपॉर्टेंट फोटोज भी दिखानी है। देखो मैं तुम्हें दिखाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन तुम्हारी वाइफ के बारे में सब कुछ जानना तुम्हारा हक है। इसी तरीके से वो उसे वो फोटोज दिखाती है। तो कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि सॉन्ग जाओ के साथ लंच करने के लिए जाती है, जहाँ पर दो लड़कियाँ सॉन्ग के बारे में बातें कर रही होती है और बोल रही होती है कि इसके हस्बैंड ने तो इसे जिंदगी भर भाव नहीं दिया, इसीलिए तो आज ये किसी और लड़के के साथ डेट पर आई है। उनकी बातों को सुनने के बाद जाओ उससे कहने लग जाता है कि देख रही हो कैसी कैसी बातें कर रही है यहाँ पर लड़कियाँ तुम्हारे बारे में, बाय द वे मुझे इन सारी चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बट तुम्हारे पेट में जो बच्चा है ना वो लुचैन को पसंद नहीं आएगा। उसके बारे में सुनने के बाद उसे थोड़ी वॉमिटिंग टाइप की फीलिंग होने लग जाती है। तभी वहाँ पर लुचैन भी आ जाता है टियान के साथ, और जाओ जैसे ही लुचैन को देखता है तो वो उससे प्यारी प्यारी बातें करने लग जाता है ताकि लुचैन को ऐसा लगे कि वो वहाँ पर उसके साथ डेट पर आया है। थोड़ी देर बाद जाओ उसके पास आता है और उसके बाद उससे कहने लग जाता है कि तुम्हें क्या लगता है कि लुचैन तुम्हें इस हालत में देखेगा तो वो तुम्हें हॉस्पिटल ले जाएगा तुम्हारी हेल्थ दिखवाने के लिए या फिर तुम्हारे बेबी को मरवाने के लिए, क्योंकि ये सिम्टम्स तो प्रेगनेंसी के हैं। थोड़ी देर में वो लुचैन को देखती है तो इग्नोर मारकर वहाँ पर से जाने वाली होती है। लुचैन उसको रोक लेता है और उसके बाद उससे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन सॉन्ग इस मूड में बिल्कुल भी नहीं होती है, इसलिए उसे इग्नोर मारकर वहाँ पर से चली जाती है। जाओ से बोलता है कि तुम्हारी बीवी वाकई में कितनी ज्यादा सुंदर है, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, उसकी मैं अच्छे तरीके से देखभाल करूंगा क्योंकि बहुत ही जल्द वो मेरी जो होने वाली है। ऐसा ही कहने के बाद वो भी वहाँ पर से चला जाता है। तो दूसरी तरफ टियान जिनके पास जाकर उससे कहने लग जाती है कि आखिरकार सॉन्ग तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि वो इस तरीके से चेंज हो जाएगी, मैंने तो जितने भी रूमर सुने थे सॉन्ग की लुचैन के साथ मुझे लगा था कि वो फेक है, लेकिन आज लग रहा है कि सब सच है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो सॉन्ग होती है वो एक आदमी को फाइल देने के लिए जाती है, जहाँ पर वो आदमी उसे गलत तरीके से टच करने की कोशिश करता है और उसके बाद उससे कहने लग जाता है कि तुम तो बहुत ज्यादा सुंदर हो, लेकिन फिर भी पता नहीं लुचैन तुम्हारे तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं होता है। बाय द वे कोई बात नहीं, तुम्हें कंपनी देने के लिए मैं हूँ ना, मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगा और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इस तरीके से वो जब उससे बदतमीजी करने लग जाता है तभी वहाँ पर टियान और लुचैन आ जाते हैं। लुचैन वहाँ पर आते ही उस आदमी को एक मुक्का मारता है जिसकी वजह से वो एकदम बहुत ज्यादा डर जाता है, और अपने आप को बचाने के चक्कर में सारा का सारा जो ब्लेम होता है वो बेचारे सॉन्ग के ऊपर डाल देता है कि वो उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रही थी और उसे नहीं उसे अपने क्लोज आने के लिए बोला।
सॉन्ग उसके पास आती है और उसके बाद उससे कहने लग जाती है कि ये क्या बकवास कर रहे हो तुम। इससे पहले कि सॉन्ग कुछ और बोलती, लू चैन उस पे एक थप्पड़ लगा देता है और उसके बाद उससे कहने लग जाता है कि तुम जैसी लड़कियों के बारे में अच्छे तरीके से जानता हूँ मैं। सच में तुम कुछ इस हद तक जा सकती हो पैसे पाने के लिए, मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था। तुम जल्दी से इस कंपनी से रिजाइन ले लो। उसकी बातों को सुनने के बाद सॉन्ग उससे बोलती है कि जो काम मैंने नहीं किया है उस काम को मैं एडमिट करूंगी नहीं, और फर्स्ट ऑफ ऑल कि अब मैं तुम्हारे लिए काम नहीं कर रही हूँ, तो इसलिए तुम कोई नहीं होते हो मुझे मेरी जॉब से निकालने वाले, इसीलिए अपना मुंह बंद रखो। उसकी बातों को सुनने के बाद टियान उसके पास आती है और बोलने लग जाती है कि आखिरकार तुम इसके बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो, तुम जानते हो ना कि आखिरकार वो तुम्हारी कितनी फिक्र करता है। सॉन्ग को उसकी बातों को सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो उसके बाद उसे बोलने लग जाती है कि तू अपना मुंह बंद कर रहे, फालतू में बीच बीच में आ जाती है बोलने के लिए, मतलब कुछ दिमाग है तुम्हारे अंदर या फिर ऐसी बकवास करती रहती हो अपनी, फालतू में मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में मत आया करो। और तुम लुचन, तुमसे तो मुझे बात करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, ऐसा ही कहकर वो गुस्से में वहाँ पर से चली जाती है। थोड़ी ही देर में जब लुचन वापस से जा रहा होता है तभी टियान भागकर उसके पास आती है और उसके बाद उससे कहने लग जाती है कि तुम्हें पता है ना कि 3 साल से हम लगातार सॉन्ग के पीछे पड़ रखे हैं कि वो तुम्हें डिवोर्स देती, लेकिन वो ऐसा करने के लिए कभी तैयारी नहीं होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम वो बहुत ही डेस्परेटली तुमसे डिवोर्स लेना चाहती है। ये बहुत अच्छा मौका है और शायद अगर हमने ये मौका गंवा दिया ना तो बिलीव मी हम शायद बहुत बड़े बेवकूफ होंगे, इसलिए हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। क्योंकि इस टाइम पर तो ग्रैंडमा भी उसे मना नहीं करेगी क्योंकि वो इतने ज्यादा गुस्से में है, और अगर ग्रैंडमा ने उसे मना किया ना तो वो खुद ही उन्हें कुछ बोल देगी। उसकी बातों को सुनने के बाद लुचन उससे बोलता है कि इस बारे में ना तो मैंने अभी कुछ सोचा है और ना ही मैं सोचना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज तुम ये सारी बातें मत बोलो। और ऐसा ही कहने के बाद वो तो वहाँ पर से चला जाता है, लेकिन टियान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसे ऐसा लगा था कि इस टाइम पर तो लुचन उसकी बातों को मानेगा और वो भी खुशी खुशी सॉन्ग के साथ ब्रेकअप कर लेगा और जैसा वो चाहते थे बिल्कुल वैसा ही होगा, लेकिन वो बिल्कुल उल्टा रहा था। यहाँ लुचन ने ये सारी चीजें करने के लिए मना कर दी थी, इसीलिए वो डिसाइड करती है कि अब इन सारी चीजों का बदला किसी और से नहीं बल्कि मैं सॉन्ग से लेगी। इसी तरीके से सॉन्ग जब वहाँ पे जा रही होती है तभी टियान की नजर उस पर पड़ती है और उसे अच्छा खासा मौका मिल जाता है उसे मारने का, इसलिए वो उसे सीधी उसे धक्का दे देती है। ये जानते हुए भी कि वो प्रेग्नेंट है वो उसे इतने तेज धक्का देती है कि वो सीधे नीचे जाकर गिरने ही वाली होती है, तभी जैसे तैसे करके वो अपने आप को बचा लेती है और नीचे गिरने के बात भी उस पर चोट नहीं लगती है। थोड़ी देर बाद टियान की और सॉन्ग की मुलाकात हॉस्पिटल पर होती है, जहाँ पर सॉन्ग उससे बोलने लग जाती है कि बहुत ही बदतमीज किस्म की लड़की हो तुम, ये जानते हुए भी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तुमने मुझे जान से मारने की कोशिश की, तुम्हें पता भी है कि अगर लुचन को ये बात पता चलेगी तो वो तुम्हारे साथ क्या हसर करेगा। टियान उसे बोलती है कि उसे बताएगा कौन। उसकी बातों को सुनकर सॉन्ग को गुस्सा आता है, वो उसे एक थप्पड़ मार देती है। टियान जब उसे वापस थप्पड़ मारने वाली होती है तभी वो उसका हाथ पकड़ लेती है और उसके बाद उससे कहने लग जाती है कि तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है तो इसलिए मुझसे निभाओ, मेरे बच्चे पर अगर तुमने टच भी करने की कोशिश की ना तो आई स्वयं मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, उसके बाद मैं बिल्कुल भी नहीं सोचूंगी कि लुचन मेरे बारे में क्या सोचता है या फिर मेरा क्या होगा, मुझे लुचन से अब कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, वो मुझसे डिवोर्स ले या फिर मेरे साथ रहे मुझे बिल्कुल भी उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जिस चीज से मुझे फर्क पड़ता है वो है मेरा बच्चा, और अगर उस पे तुमने बिल्कुल भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, समझी ना। अब इस तरीके से मुझे घूर क्या रही हो, तुम्हारी इस डरावनी शक्ल से अब मुझे डर नहीं लगता है क्योंकि मैं जान गई हूँ कि जितनी बुरी तुम्हारी शक्ल है ना उससे भी बुरा तुम्हारा दिल है। बाय द वे तुम कब लुचन को डिवोर्स पेपर पे साइन करने के लिए मना रही हो, क्योंकि मैं तो कब से उन डिवोर्स पेपर पे साइन करने के लिए तैयार हो रखी हूँ, लेकिन तुम्हारा प्यारा लुचन उन पेपर पे साइन ही नहीं कर रहा है। अब करेगा भी क्यों, क्योंकि उसने तुम्हें पूरी जिंदगी भर पसंद ही कहाँ किया है, वो तो तुम्हारे साथ बस टाइम पास कर रहा है। भूल गई 3 साल पहले जब तुमने उसकी ड्रिंक में नशे की दवाइयाँ डाली थी, नशे की हालत में होने के बावजूद भी उसने तुम्हें टच तक नहीं किया था क्योंकि उसको तुम जैसी नॉनसेंस लड़कियों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए तो उसने अब तक पेपर्स पर साइन नहीं किया। बाय द वे अब मैं क्या ही बोलूं तुम्हें, तुम तो समझदार हो, समझदार को इशारा काफी है, तो इसलिए ही आई थिंक तुमको उसकी और मेरी लाइफ से जल्द निकल जाना चाहिए, वरना तुम्हारी इसी तरीके से हर रोज बेइज्जती होती रहेगी।
टियान उससे बोलती है कि बहुत बकवास करती हो तुम, लेकिन मुझे तुम्हारी बकवास पर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। और मैं जानती हूँ कि लुयांग को भी नहीं है, वो मुझे पसंद करता है, ये बात मैं जानती हूँ। और तुम जैसी बेवकूफ़ लड़की को इस बात का प्रूफ देना मैं ज़रूरी भी नहीं समझती हूँ, इसीलिए तुम हम दोनों के बीच में ना ही आओ तो ही ठीक होगा। सॉन्ग उसे बोलती है कि आखिरकार मैं तुम दोनों के बीच में आए कहाँ रही हूँ, तुम्हारा प्यारा लुयांग ही तो मुझे बीच में लेकर आ रहा है। मैं तो उसे कब से डिवोर्स देने के लिए बोल रही हूँ, अब जब वो तैयार ही नहीं है तो इस पे मेरी क्या गलती है, तुम ही मुझे बताओ। वैसे गलती उसकी भी नहीं है, गलती तुम्हारी है, क्योंकि तुम उसे अभी तक सीड्यूस नहीं कर पाई। 3 साल हो गए हैं, कहाँ गई तुम्हारी एबिलिटी। हाँ भले ही वो मुझ पर गुस्सा करता है और मुझसे नफरत करता है, लेकिन तुमसे ज्यादा टाइम तो वो मेरे ही साथ स्पेंड करता है। और आई नो कि इस बात को तुम भी जानती हो, इसलिए तो तुम्हें मेरे से जेलसी फील होती है। क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं? लगता है कि तुमको अपने आप पे थोड़ा और काम करना होगा। उसकी बातों को सुनने के बाद टियान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो डिसाइड कर लेती है कि अब तो वो इसको बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। इसी तरीके से वो उसे बोलती है कि बहुत बनती हो ना तुम, इसीलिए अब तुम्हें मरना होगा। ऐसा ही कर वो जोर से उसे धक्का मारती है, जिसकी वजह से वो बेड से टकराने वाली होती है। इतने में ही वहाँ पर जाओ आ जाता है और उसे बचा देता है, जिसकी वजह से उसे थोड़ी सी भी चोट नहीं लगती है। भले ही वो बच जाती है, लेकिन जब उसे टियान के इंटेंशंस के बारे में पता चलता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसके बाद वो भागकर उसके पास जाती है और जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पे लगा देती है। और उसके बाद उससे कहने लग जाती है कि अभी अभी जो बात मैंने तुमसे कही थी तुमने वो बात सुनी नहीं। मैंने तुम्हें कहा था कि अगर तुमने मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें यहीं पर ही मार दूंगी। इसी तरीके से वो जोर से उसका गला पकड़ देती है। उसकी बातों को सुनने के बाद टियान उससे बोलती है कि मुझे छोड़ दो, अगर ये सारी बातें लुचैन को पता चली ना तो वो तुम्हें जिंदा मार देगा। तभी वो उससे बोलती है कि उससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी, इसलिए अब तुम्हें इसका सबक सिखाना ही पड़ेगा। जब वह सारी बातें बोल रही होती है तभी वहाँ पर लुचैन भी आ जाता है, और जैसे ही टियान लुचैन को देखती है तो वो एक्टिंग करने लग जाती है और उसके बाद उसे कहने लग जाती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो। लुचैन टियान को देखने के बाद भागकर वहाँ पर आता है और उसके बाद सॉन्ग को बोलता है कि इसको छोड़ो जल्दी से। सॉन्ग उसे छोड़ती है तभी लुचैन उसे धक्का मार देता है और उसके बाद टियान से कहने लग जाता है कि तुम ठीक तो हो ना। सॉन्ग को बहुत ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसका हस्बैंड उसके वहाँ पर होते हुए भी एक पराया लड़की को इतना इम्पोर्टेंस दे रहा था जैसे कि वो ही उसकी असली वाइफ होगी। टियान उसे कहने लग जाती है कि सॉन्ग यहाँ पर जाओ से मिलने के लिए आई थी, मैंने उसे डांटा तो वो मेरा गला दबाने लग गई। थैंक यू सो मच, तुम यहाँ पर सही टाइम पर आ गए, क्योंकि अगर तुम्हें यहाँ पर आने में थोड़ी सी भी देर होती ना तो ये लड़की तो आज मुझे जान से मार देती। उसकी बातों को सुनने के बाद सॉन्ग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो उससे कहने लग जाती है कैसी बकवास बातें कर रही हो तुम, भी जानती हो कि तुम मुझे मारने की कोशिश कर रही थी ना कि मैं तुम्हें मारने की कोशिश कर रही थी। टियान उससे बोलती है कि लुचैन ये सारी बातें जानता है कि तुम मुझसे कितनी ज्यादा नफरत करती हो, आखिरकार तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो। तो इन सारी बातों को सुनने के बाद लुचैन उससे कहने लग जाता है तुम सच में टियान से कितना ज्यादा जेलेसी करती हो, तुम्हारी जितनी जहरीली औरत मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखी। उसकी बातों को सुनने के बाद सॉन्ग रोने लग जाती है और उसके बाद उससे कहने लग जाती है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझसे ज्यादा जहरीली और जेलेसी करने वाली लड़की तुम्हें कहाँ ही मिलेगी। सही कह रहे हो तुम, मैं इस दुनिया की सबसे बुरी लड़की हूँ, इतनी बुरी हूँ कि मैं तुम्हें शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। सॉन्ग की हालत को देखकर जाओ लुचैन से कहने लग जाता है कि बड़े ही हर्टलेस किस्म के इंसान हो तुम, देख नहीं रहे हो कि ये ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही है फिर भी फालतू बकवास कर रहे हो। उसकी बातों को सुनने के बाद लुचैन उससे बोलता है कि तुम नए हो ना इसलिए इसे ठीक से नहीं जानते हो, लेकिन मैं इसके साथ 3 साल से रह रहा हूँ और मुझे पता है कि ये सारी चीजें सिर्फ एक ड्रामा है और इससे अच्छा एक्टर आखिरकार कौन हो सकता है। ये सब जो ड्रामा यहाँ पर कर रही हो ना वो सब अपने घर पर जाकर करना और कल टाइम पर काम पर आ जाना, नहीं तो तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा, समझी तुम, क्योंकि तुम्हारी इन सब हरकतों के बारे में मैं अच्छे से जानता हूँ। सॉन्ग उससे बोलती है कि बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, तुमसे अच्छे तरीके से मुझे और कौन जानता है, मैं नाटक अच्छा करती हूँ ना, इसलिए तो तुम इतने सालों से मुझसे दूर रहे हो, क्योंकि
तुम्हें एक्टर्स पसंद नहीं है, खैर इतनी ही नफरत करते हो तो जल्दी से मुझे डिवोर्स दे दो। इसी तरीके से वो वहाँ पर से चली जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जो सॉन्ग होती है वो बैठ कर जब अपना काम कर रही होती है तभी टियान उसके पास आती है और उसके बाद उसे कुछ पेपर देकर उसे कहने लग जाती है कि जल्दी से इन सारे पेपर्स को डिस्ट्रॉय कर दो। सॉन्ग उससे बोलती है कि तुम देख नहीं रही हो, मैं अपना काम कर रही हूँ और मुझे आज जल्दी घर भी जाना है, इसलिए फालतू बकवास मत करो और अपना काम खुद करो। टियान उसे बोलती है कि एक्सक्यूज मी, बट ये काम मैंने तुम्हें नहीं दिया बल्कि मैं लूचेन ने दिया है, इसलिए बेहतर यही होगा कि चुपचाप तुम सारा काम कर दो, वरना उसके बाद तो तुम जानती हो कि वो तुम्हारा क्या करेगा। आई होप कि तुम टाइम से अपना काम कर लोगी और फालतू में जल्दी घर जाने की क्या जरूरत है, ऑफिस में बैठकर काम करती रहो। और अगर घर जाने का इतना मन ही है ना तो घर पर जाकर अपने बच्चों को ही संभालो, ऑफिस में आने की जरूरत नहीं है। ऐसा ही कहकर वो तो वहाँ पर से चली जाती है, लेकिन बेचारी सॉन्ग को ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल सच कह रही है और इसी तरीके से वो उन पेपर्स को मशीन में डालकर डिस्ट्रॉय करने लग जाती है। तभी वहाँ पर जाओ आता है और उसके बाद उससे कहने लग जाता है कि तुम क्या कर रही हो, तो वो उसे बताती है कि टियान ने उसे कुछ पेपर्स दिए हैं जिसे उसे डिस्ट्रॉय करना है। उन पेपर्स को देखने के बाद वो उससे बोलता है कि अरे तुम पागल हो गई हो क्या, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, इनफैक्ट ये तो सबसे इम्पोर्टेंट फाइल है जिसकी हमें आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। सॉन्ग जैसे ही उन पेपर्स को देखती है तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। इससे पहले कि वो कुछ भी करती तभी वहाँ पर टियान और लूचेन आ जाते हैं। फिर क्या था, वहाँ पर आने के बाद टियान दोबारा से अपना नाटक शुरू कर देती है और उसके बाद उससे कहने लग जाती है कि जो कुछ भी मैंने हॉस्पिटल में तुम्हारे साथ किया था तुम उसकी सजा मुझे देती ना, आखिरकार तुम्हें ये पेपर डिस्ट्रॉय करने की क्या जरूरत थी, तुम जानती भी हो कि ये कितने इम्पोर्टेंट पेपर थे, अब हमारा सबके सामने मजाक उड़ेगा, इनफैक्ट हमारी कंपनी की रेपुटेशन ही पूरी खराब हो जाएगी। तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो तो मुझसे बदला लेती ना, आखिरकार तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी। सॉन्ग उसे बोलती है कि अपनी फालतू बकवास बंद करो, तुमने ही तो मुझे इन पेपरों को फाटने के लिए कहा था, अब ये ड्रामा क्यों कर रही हो। टियान उसे बोलती है कि मैंने कब कहा तुम्हें, आखिरकार तुम इतना ज्यादा झूठ क्यों बोल रही हो, तुम मुझे लूचेन की नजरों में गिराना चाहती हो इसलिए ये सब चीजें कर रही हो ना, लेकिन अगर तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है तो मुझसे निभाओ ना, आखिरकार तुम्हारी कंपनी से क्या दुश्मनी है, तुम्हारी वजह से पूरी कंपनी की मेहनत पानी में फिर गई, सच में तुम एक बहुत ही बुरी इंसान हो, मैंने आज तक तुम्हारे लिए कभी बुरा नहीं बोला लेकिन पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम सच में बहुत बुरी हो। सॉन्ग उससे बोलती है कि हो गया तुम्हारा नाटक, जल्दी से बोलो नहीं तो मैं सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए बोलूंगी इनको, और एक बार अगर ये सारी चीजें वो देख लेंगे ना तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि तुम झूठ बोल रही हो। टियान उसे बोलती है कि तुम सच में बहुत ही ज्यादा चालाक हो, ये सारी चीजें करने के लिए तुमने पहले से ही सारे सीसीटीवी फुटेज खराब कर दिए थे ना, अब तो कोई प्रूफ भी नहीं बचा। उसकी बातों को सुनने के बाद लूचेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसी तरीके से वो सॉन्ग का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। टियान को वहाँ पर अकेले देखकर जाओ उसके पास आता है और उसके बाद उससे कहने लग जाता है कि हो गया ना तुम्हारा प्लान फ्लॉप, ध्यान रखो कि मेरा भाई तुम्हारा कभी भी नहीं हो सकता है, भले ही वो सॉन्ग के साथ बहुत ही बदतमीज से बिहेव करता है लेकिन प्यार तो वो उसी से करता है। और इसी तरीके से यहीं पर ही हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।